8 दिसंबर 2021 को भारत ने अपने पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया। दो बार मौत को करीब से देखने वाले जनरल बिपिन रावत से इस बार भी यही उम्मीद थी कि वो वापस लौटेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। आइए आपको बताते हैं जनरल बिपिन रावत के मौत को मात देने वाले दो किस्से। 17 मई 1993 बिपिन रावत 5x11 गोरखा राइफल्स में मेजर के पद पर तैनात थे। तब कश्मीर के उरी इलाके में गश्त के दौरान पाकिस्तान ने गोलाबारी शुरू कर दी थी। उस दौरान एक गोली उनके टखने और दाहिने हाथ में लगी, लेकिन तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक महीने में रिकवर होकर वापस लौटे, जिसके बाद उन्हें उनकी जाबाजी के लिए सेना का वूंड मेडल दिया गया। दूसरी घटना 3 फरवरी 2015 की है, जब बिपिन रावत लेफ्टिनेंट जनरल थे। उस दौरान बिपिन रावत एक कर्नल और दो पायलट के साथ चीता हेलीकॉप्टर पर सवार हुए। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, 20 फीट ऊपर गया, लेकिन तभी अचानक इंजन फेल हो गया। पर गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर में सवार बिपिन रावत सहित सभी लोगों को मामूली चोट ही आई। ठीक ऐसे ही 8 दिसंबर को उन्होंने MI-17V5 हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। वो विलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे, लेकिन इस बार हादसे में भारत ने अपना जाबाज सैन्य अधिकारी खो दिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।